हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे सोयाबीन के पकोड़े। इनके पकोड़े एकदम लाजवाब बनते हैं, एकदम करारे करारे बनकर तैयार होते हैं, एकदम क्रिस्पी पकोड़े। सोयाबीन के पकोड़े बनाने के लिए यहाँ पे लिया मैंने सोयाबीन। और सोयाबीन के पकोड़े बनाने से पहले हम इन्हें बॉईल करेंगे थोड़ा सा, जैसे कि अभी ये बहुत टाइट होते हैं ना, तो थोड़े से ये सॉफ्ट हो जाए इसलिए। तो इनको हम चलिए सबसे पहले बॉईल कर लेते हैं। एक पतीले में पानी ले लिया है और इसमें हम डालेंगे नमक। इतना नमक हम डाल देते हैं, एक चम्मच से भी कम, यानी कि आधा चम्मच हम डाल देते हैं। और ये सारे सोयाबीन को हम डाल देते हैं और बॉईल होने देते हैं। एक उबाल हम इसमें आने देते हैं, अच्छे से ये बॉईल हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। तब तक जब तक सोया बड़ी हमारी बॉईल हो रही है, थोड़ी सी सॉफ्ट हो रही है, तब तक हम इसके लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। मैंने ले लिया है एक बाउल और दिखा देती हूँ मैं आपको हमें क्या चाहिए। मसाले दिखा देती हूँ। यहाँ पे लिया मैंने तीखा लाल मिर्च पाउडर। और बच्चे के लिए अगर आप बना रहे हैं छोटे बच्चे को खाने के लिए तो थोड़ा सा डालें। और जीरा लिया है यहाँ पे। और ये कलर के लिए मैंने लिया है काश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा सा कलर के लिए। ये लिया है मैंने आमचूर पाउडर, नमक थोड़ा सा ही हमें डालना है। बॉईल करते समय भी हमने नमक को डाल दिया है। गरम मसाला, धनिया पाउडर। और ये लिया मैंने चाट मसाला। और हम देख लेते हैं हमें क्या चाहिए। ये लिया है मैंने दही, फ्रेश दही हमें चाहिए। और ये लिया मैंने बेसन छानकर, तो इसका मसाला हम बनाकर तैयार कर लेते हैं। बेसन सबसे पहले हम डाल देते हैं, सारा बेसन नहीं डालेंगे, थोड़ा सा हम बचा लेते हैं ज़रूरत के हिसाब से, एडजस्ट हो जाएगा। और ये सारे मसाले हम इसमें मिला देते हैं अपने बेसन में। नमक को भी हम डाल देते हैं साथ में। ये चाट मसाला, पकौड़े एकदम चटपटे बनने के लिए गरम मसाला डाल देते हैं। धनिया पाउडर, आमचूर पाउडर और ये कलर के लिए काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये तीखा बिल्कुल नहीं होता। और अब हम डाल देते हैं इसमें ये दही। सारे दही को हम डालेंगे और अच्छे से इनको हम मिला लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं बढ़िया तरीके से। बहुत ही अच्छे से इन्हें मिक्स करना है हमें। पानी को हम इसमें अभी नहीं डालेंगे, अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर दिया है। अब हम इसे कवर कर देते हैं और अपने सोया बड़ी को हम देख लेते हैं। सोयाबीन अच्छी तरीके से बॉईल हो रही है। अब हम फ्लेम को कर देंगे ऑफ और सारी सोया बड़ी को हम छान के निकाल लेते हैं बाहर। सोया बड़ी को मैंने नीचे उतार कर रख लिया है और अब हम इसे इस तरीके से पानी से छान के बाहर निकाल लेंगे। देखिए काफ़ी ज़्यादा फूल के बड़ी हो गई है, पास से देखिए एकदम बड़े हो गए हैं ये। इनको हम एक प्लेट में रख लेते हैं इस तरीके से और सारे सोया बड़ी को हम निकाल लेते हैं पानी से बाहर। सारी सोया बड़ी को मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है और देखिए काफ़ी ज़्यादा ये फूल के बड़े हो गए हैं। हम इसका पानी नहीं निकालेंगे और ले लेते हैं हम अपने बैटर को। ये देखिए बैटर हमारा बहुत ज़्यादा थिक है, तो अब हम डालेंगे बैटर में थोड़ा सा पानी, एकदम थोड़ा सा। आप चाहें तो इस तरीके से बनाएं या तो आप चाहें तो, जैसे मैंने इसे निकाल लिया है बाहर गर्म पानी से, तो आप बॉईल करने के बाद इसमें सारे मसाले ऐड करें, बेसन को ऐड करें और अच्छे से मिला दें तो अच्छे से मिल जाएगा। ऐसे भी बना सकते हैं आप और जैसे मैं बना रही हूँ ऐसे भी बना सकते हैं। तो जिस हिसाब से आपको ठीक लगेगा वैसे आप बना लीजिएगा। अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेते हैं घोल कर। ज़रूरत के हिसाब से हम और पानी इसमें ऐड करेंगे, थोड़ा सा और डाल देते हैं पानी को हम और अच्छे से इनको मिक्स कर देते हैं, लम्स ना रहे एक भी। बैटर देखिए हमारा अच्छी तरीके से तैयार हो गया है। तो अब हम डालेंगे इसमें सोया बड़ी को अपने, और सोया बड़ी को डालने के बाद हम इस तरीके से इसके ऊपर कोटिंग कर देंगे अच्छे से। देखिए बढ़िया तरीके से मिक्स हो रहा है इसके ऊपर। ऐसे ही हमें सारे सोया बड़ी को, सोया चैप्स को डाल देना है, इस तरीके से डालना है सारा। देखिए बहुत ही बढ़िया से ये मिक्स होते जा रहे हैं। इनको हम मिक्स कर देते हैं और हम रख देते हैं रिफाइंड ऑयल को अपने गर्म होने के लिए, ताकि हम गर्मा गर्म पकौड़े बना सकें। चलिए तेल को हम गर्म होने के लिए चढ़ा देते हैं। रिफाइंड ऑयल को हमने कढ़ाई में गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। अच्छे से हम गर्म हो जाने देंगे तभी हम बनाएंगे, वरना बेसन और सोया बड़ी हमारे अलग हो जाएंगे, बिखर जाएंगे। तो तेल को अच्छे से हम हीट हो जाने देते हैं। रिफाइंड ऑयल हमारा अच्छी तरीके से गर्म हो गया है और हम ले लेते हैं अपने सोया बड़ी को।
एक एक सोया बड़ी को हम इस तरीके से उठाएंगे और तेल में ऐसे डाल देंगे इन्हें। अब हमें तेल को हाई नहीं रखना है, तेल को हमें अब एकदम मध्यम आँच में रखना है, एकदम स्लो हमें रखना है आँच को। और ऐसे ही हम सारी पकौड़ी को एक एक करके डाल देते हैं। सारे पकौड़ों को हमने डाल दिया है, एक तरफ से आप डालते जाएंगे और एक तरफ से ये पकते जाते हैं, तो इसलिए आपको एक बार तेल गर्म कर देने के बाद एकदम आँच को धीमी कर देनी है और डालते रहना है और इनको चम्मच से अपने पलटते रहना है, वरना ये जल जाएंगे। जलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं इसमें, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और देखिए ये बहुत ही बढ़िया तरीके से पक रहे हैं, कलर भी देखिए इनका बहुत नाइस आ रहा है। तो अभी ये अच्छे से पके नहीं, इनको हम थोड़ी देर और पक जाने देते हैं धीमी आँच में। सारे पकौड़े हमारे अच्छी तरीके से पक गए हैं, अच्छा सा कलर आ गया है, तो सारे पकौड़ों को अब हम निकाल लेते हैं वरना ये जल जाएंगे। इस तरीके से ऐसे ही हम सारे पकौड़ों को निकालेंगे। सारे पकौड़ों को हमने तेल से बाहर निकाल लिया है, इसमें एक्स्ट्रा ऑयल बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो इस तरीके से हमें सारा एक्स्ट्रा ऑयल इसका निकाल देना है, सारा तेल निकल जाए। आप डायरेक्ट टिशू पेपर पे भी रख सकते हैं, अब्जॉर्ब पेपर पे, जैसे कि इसका जो तेल हो उसे अब्जॉर्ब कर सके। और अच्छे से देखिए तेल इसका निकल रहा है, अभी थोड़ा सा और बचा है, निकल जाए तो इसको हम प्लेट में रखते हैं। मैंने इसके पानी को निचोड़ा नहीं है बॉईल करते समय, आप निचोड़ भी सकते हैं पानी, अगर आपको लगे कि निचोड़ने के कंसिस्टेंसी में है तो आप इसे निचोड़ दें, वरना जैसे मैं बनाई हूँ ऐसे ही बना दीजिए। अब हम इसे एक प्लेट में रख लेते हैं सारे पकौड़ों को अपने इस तरीके से। ये सारे पकौड़ों को हमने निकाल लिया है, वापस से गरम रिफाइंड ऑयल में डाल दिया है अपने और सोयाबीन के पकौड़ों को। और देखिए अभी बैटर हमारा थोड़ा सा इतना गीला जो है बचा है, अभी इतना गीला गीला। और ले लेती हूँ मैं यहाँ पे 3 मिर्च, इनको हम तल लेते हैं। मुझे पकौड़ों के साथ मिर्च खाना बहुत पसंद है, मिर्च को हमें कैसे तलना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। एक मिर्च को हमें देखिए ऐसे लेना है और ये नाइफ का ये जो नुकीला वाला हिस्सा होता है ना, इससे हम इस तरीके से एक साइड ऐसे घुसा देंगे। देखिए ऐसे हमें कट लगा देना है मिर्ची में, बिल्कुल ये वाला कट ऐसे ही हमें कट लगाना है। तो अब हम इसे अपने बैटर में, ये जो बैटर हमारा बचा है इसमें हम इस तरीके से लपेट देते हैं बढ़िया तरीके से, और इसको हम गर्म तेल में पका लेते हैं। बहुत अच्छा लगता है खाने में, मैं तो जब भी पकौड़े खाती हूँ तो इस तरीके से मैं मिर्ची को ज़रूर तल के खाती हूँ। सारे पकौड़े हमारे अच्छी तरीके से तेल में तल चुके हैं, कलर भी अच्छा आ गया है, तो इनको निकाल लेते हैं तेल से बाहर सारे पकौड़ों को ऐसे कढ़ाई से बाहर। हमने पकौड़ों को भी निकाल लिया है और इनके भी स्टॉल को निकल जाने देते हैं, उस प्लेट में इन्हें ट्रांसफ़र करेंगे और अपने मिर्ची को तलेंगे तेल में। सारे पकौड़ों को हमने प्लेट में निकाल लिया है, रख दिया है, और तेल भी हमारा अच्छा खासा गर्म है। तो अब हम एक एक मिर्ची को इस तरीके से डालेंगे, देखिए ऐसे डाल देना है, इन्हें भी हम पका लेते हैं। हरी मिर्च के ये जो मुकुट होते हैं ना, ये हमें इनका मुकुट उतारना नहीं है, निकालना नहीं है, और हम ऐसे ही इनको तेल में फ्राई करेंगे ताकि ऐसे हम इसे अच्छे से पकड़ सकें और खा सकें। सारे पकौड़े हमारे बनकर तैयार हैं, देखिए पास से दिखा देती हूँ मैं आपको, पास से देखिए, देखिए बहुत ही बढ़िया सा कलर इनका आया है और खाने में एकदम क्रिस्पी होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। और मिर्ची को भी साथ में मैंने देखिए तेल में इन्हें फ्राई कर लिया है, डीप फ्राई। तो मिर्ची को हम इस तरीके से रख देते हैं और एक बार आप खाने वाले के सामने ले जाइए और देखिए फटाफट से सारी प्लेट साफ़ हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अपने मनपसंद सॉस को खाइए, इस पकौड़े के साथ मनपसंद सॉस के साथ खाइए और इस मिर्ची को खाइए। फिर अगर अच्छा लगे तो मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, और आपको वीडियो अगर पसंद आई हो तो एक लाइक तो बनता है, तो लाइक कर लें। और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड में दिए हुए बेल आइकन को भी साथ में क्लिक कर लें ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे, और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। तो मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।